अंबिका। और इसके अलावा एमोर्फस सॉलिड, सुमित। ओके, और कोई आंसर? तो देखो, एमोर्फस सॉलिड जो होता है, इसमें एक चीज डाउट है, इसीलिए मैंने क्वेश्चन दिया था। इसमें डाउट ये है, हाँ, यामिनी श्रुति राइट आंसर है, सबके राइट आंसर। देखो इसमें क्या है, एक चीज का ध्यान रखना, अगर क्वार्ज आया, सिर्फ क्वार्ज, अगर सिर्फ क्वार्ज लिखा है तो क्वार्ज इज क्रिस्टलाइन, और अगर लिख दिया उसने क्वार्ज ग्लास तो क्वार्ज ग्लास इज एमोर्फस। ठीक है, एमोर्फस ध्यान रखना। तो जब क्वार्ज ग्लास हो गया ना, ग्लास आ गया तो एमोर्फस, और केवल क्वार्ज लिखा है तो क्रिस्टलाइन। क्वेश्चन नंबर टू, सॉलिड CH4 इज, क्या होगा सॉलिड CH4? कौन सा आंसर होगा, सॉलिड, कोवलेंट, मॉलिक्यूलर या डज नॉट एग्जिस्ट? ओके, यामिनी, सुमित, हेमंत एंड वेयर इज श्रुति एंड अंबिका। अंबिका, ओके, श्रुति, यस राइट है, वेरी गुड। मॉलिक्यूलर, देखो ये मॉलिक्यूलर है, इसमें ध्यान रखना, CH4 लिख दिया तुमने तुरंत, अगर कोवेलेंट लिखोगे गलत हो जाएगा। ये CH4 एक ये अलग है, एक CH4 अलग है, वो कह रहा है इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा, तो ये होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, ये मॉलिक्यूलर की बात हो रही है, तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थ्री देखो, अब ये थोड़ा सा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं है, फिजिकल इसमें टफ आया है। ठीक है, तो फिजिकल में देखो क्या है, CSBR क्रिस्टलाइजेशन इन BCC पैटर्न। जैसे आप देखोगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का मतलब जेड इज इक्वल टू टू। अब देखो यूनिट सेल लेंथ यानी एज लेंथ दे दी आपको 436.6 पिकोमीटर। अब पिकोमीटर ये है और यहां सेंटीमीटर, मैंने कहा आपको हर बार ऐसी गलती दिखेगी। ठीक है, अब ये पिकोमीटर में और यहां सेंटीमीटर में, तो यूनिट हर बार चेक करनी है, इसका मतलब क्या हुआ, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻¹⁰ सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -10 से, तो ये सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा, तो आपको एज लेंथ भी मिल गया। तीसरा आपको चाहिए मोलर मास। देखो CSBR कंपाउंड है और CS का एटॉमिक मास होता है 133, BR का होता है 80, तो CSBR का कितना हो जाएगा, इन दोनों को सम कर दो, 133 + 80 इज इक्वल टू 3 and 1 and 2 यानी 213। एवोगैड्रो अब नंबर आपको दिया हुआ और डेंसिटी पूछा हुआ, तो आप सीधा डेंसिटी का फॉर्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हो। ठीक है, थोड़ा ये टाइम टेकिंग होता है, इसलिए ध्यान रखना। हाँ, वेरी गुड, अंबिका ने आंसर भी बता दिया, क्या बात है। ठीक है, तो इसका आंसर है 8.5 इज द राइट आंसर। देखो, तो डेंसिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला बता निकालना है आपने और करना है। हाँ, वेरी गुड, उसने पहले से सॉल्व किया, यही बेनिफिट होता है उसने। देखो जितना प्रैक्टिस ज्यादा करोगे आपको टाइम कम लगेगा, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस आनी चाहिए। पहले हमने क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, अब हम पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं, पहले हमने चैप्टर वाइज क्वेश्चन आंसर किए, अब ओवरऑल क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, क्योंकि ओवरऑल ही आएगा आपके पास। तो इसमें क्या होगा, डी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब आप फॉर्मूले को रखोगे और आंसर निकाल दोगे। ठीक है, तो उसने सही आंसर बताया है 8.5। अब क्वेश्चन नंबर फोर, क्वेश्चन नंबर फोर, सुमित, ओके, हाँ ये 3 का सही आंसर है सुमित। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे, 8.5 बी आंसर सही बताया आपने। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर है कि आपके पास एक क्वेश्चन ये भी आएगा, ध्यान रखना, ये 100% क्वेश्चन आएगा इस टाइप का आपके पास, फॉर्मूला बेस्ड। ठीक है,
इसमें क्या पूछेगा वो कि जो वाई है वो सीसीपी पैटर्न में है और जो एक्स है वो है 2/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड्स। तो फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड? अच्छा, 4 का B आंसर है। ओके, और कोई आंसर इसके अलावा? श्रुति, अंबिका, यहां गड़बड़ कर गए आप लोग, ये क्वेश्चन है। हाँ, अंबिका ने बिल्कुल सही आंसर दे दिया, वेरी गुड अंबिका। और बस अंबिका ने सही आंसर दिया इसका, बाकी सब मिस कर गए। जबकि मैं आपको कई बार कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन 100% आएगा, 100% इस टाइप का क्वेश्चन 100% आएगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, सीसीपी जो होगा, सीसीपी में सपोज नंबर ऑफ एटम इज एक्स, तो जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स होता है वो कितना होता है, 2 × 2x, यानी नंबर ऑफ एटम का डबल हो जाएगा, ठीक है। तो 2x हो जाएगा। अब इसको यहां रख दो, 2/3 × 2x, अब एक्स एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1:2 × 4, तो 4/3, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 3 से, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एक्स के कितने हो गए, 4, एक्स के हो गए 4, और वाई के कितना हो गया, वाई के हो गए 3, x4y3 मीन्स ए इज द राइट आंसर, ठीक है, ए राइट आंसर हो गया। तो एक ही आंसर इसमें सही रहा अंबिका का, वेरी गुड। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आता है और ये आएगा, क्योंकि आपकी बार तो ऑप्शन ही नहीं बचता, आपके पास ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है, तो ये 101% ये क्वेश्चन आएगा आपके पास इस टाइप का, तो वहां पे से प्रैक्टिस करनी है पहले ही। और ये क्वेश्चन पहले पूछा हुआ था आपके पास से, ये पूछा था 2018 में, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। 2018 के आसपास आप चेक करोगे पेपर, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है सॉलिड स्टेट का। हाँ, इसमें सुमित, ओके, हाँ राइट आंसर है, सुमित ने राइट आंसर दिया इसका। तो ये एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए बस, ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इसमें ध्यान रखो, अब नंबर ऑफ एटम पूछा, डेंसिटी का क्या रिलेशनशिप है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, इसमें लगेगा मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अब डेंसिटी वाले फॉर्मूले में लगा दो इसको, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए, ठीक है। अब यहां से मोलर मास का फॉर्मूला निकालो, तो इसको यहां मल्टीप्लाई करो, उसको यहां मल्टीप्लाई करो, तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन एन ए इंटू डब्ल्यू अपॉन एन। अब इसको यहां रख दो बस, क्योंकि मोलर मास क्वेश्चन में गिवन नहीं होता इसमें, ठीक है। तो आप बोलोगे डेंसिटी का फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे रिप्लेस करना पड़ता आपको। ये एक ठीक क्वेश्चन था जिसको बहुत कम स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया था, लेकिन और में आया था तो इसलिए बच गए थे उस समय। तो ये देखो, जो एम है आपका, एम की जगह पे क्या होगा, एन ए इंटू डब्ल्यू अपॉन एन इंटू ए क्यूब इंटू एन ए। अब ये एन ए से एन ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या रह गया, W है, N है, अब आपको N निकालना है। अब देखो सारी वैल्यू गिवन है, डेंसिटी आपको गिवन है, और आपको Z, Z कैसे पता चलेगा, FCC है, तो Z इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। A क्या है, A एज लेंथ है आपके पास, ये एज लेंथ यहाँ लिखी हुई है पीछे, यहाँ लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। एज लेंथ के बाद एवोगैड्रो नंबर यहाँ कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या बच गया इसमें, आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स निकालना है, तो आपके लिए आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो इसका आंसर आएगा 4 × 10^25, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आप इसको पूरा सॉल्व करोगे तो और अच्छा रहेगा। एक क्वेश्चन पेपर में आपको आज भेजता हूँ, कल एक टाइम लेके आप लोग को सॉल्व करना है, और लगभग हम 10 o'clock में या 9:30 से 10 o'clock तक आप अटेम्प्ट करो, और 10 o'clock में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे जो प्रॉब्लम रही है, ठीक। और उसमें टाइम देखना कितना टाइम आप यूज कर रहे हो, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा और मार्क्स भी अच्छे आएंगे, नहीं तो वहां पे
टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता जिससे कई क्वेश्चन छूट सकते हैं, तो ऐसा ना हो जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे। कल क्लास होगी आपकी, उसको ज्वाइन करना जरूर। ठीक है, बाय बाय।